come to what everyone is waiting for. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है. Personal income tax. व्यक्तिगत आयकर. I have 5 major announcements to make. मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में. ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है. जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है. वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं. मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ. इस प्रकार आई प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट लिमिट नई व्यवस्था कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा. न्यू टैक्स रेजीम विद इनकम अप टू 7 लाख जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा. दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है. मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी. मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ. कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी: 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 5%, 6 से 9 लाख, 10%, 9 से 12 लाख, 15%, 12 से 15 लाख, 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%. This will provide major relief to all taxpayers. इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी. 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा. यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा. यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है. यह सिर्फ 45,000 हो गया है. इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी. मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ. प्रत्येक वेतन भोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा. My fourth announcement in personal income मेरा मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है. यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है. मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ. इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी. अंततः गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नगदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था. सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ.
वी आर ऑल्सो मेकिंग हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में इनकम टैक्स रेजिम एज द डिफॉल्ट नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं। तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परितक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परितक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखा चुके पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की आने वाले आम चुनाव में क्या भूमिका होगी, इसे लेकर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा चांसेस है कि वरुण समाजवादी पार्टी का दामन थामे, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों अखिलेश यादव की तारीफ भी की थी। इसके अलावा शिवपाल यादव ने भी उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर स्वागत किया था और कहा था कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जो भी सामने आएगा हम उन्हें समर्थन देंगे। हालांकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि वरुण गांधी ना तो कांग्रेस में जाएंगे ना ही समाजवादी पार्टी में, बल्कि वो अपनी अलग पार्टी बनाकर नए पारी की शुरुआत करेंगे। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ वरुण गांधी के तेवर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो वरुण गांधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से इतर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। इस पार्टी में उनके साथ उनकी मां मेनका गांधी भी आ सकती हैं। आने वाले चुनाव को लेकर वरुण गांधी के सामने ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। हालांकि उनके विचार राहुल गांधी से अलग है, मगर प्रियंका गांधी वरुण गांधी को मनाने की कोशिश कर सकती है। राजनीति के इतर वरुण और प्रियंका एक दूसरे के करीबी रहे हैं और दोनों में बातचीत भी होती रहती है। दोनों पार्टियों में जाने के अलावा वरुण गांधी के सामने तीसरा ऑप्शन है कि वो एक किसी पार्टी में शामिल ना होकर संयुक्त विपक्ष के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष के रूप में वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ने के विकल्प पर ध्यान दे रहे हैं। बुलेट से भी तेज स्पीड से कमाई कर रही पठान के लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू हो गई है। शाहरुख की फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला। फिल्म ने महज 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन असल टेस्ट अब शुरू हुआ है। लॉन्ग वीकेंड पर फिल्म की धमाकेदार कमाई के बाद हर किसी की नजरें वर्किंग डेज पर टिकी थी। अब मंगलवार की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। वर्किंग डे पर पठान की कमाई में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड मार्केट में पठान का डंका लगातार बज रहा है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर पठान में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन पठान के 57 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 70.5 करोड़ रुपए बटोरे। तीसरे दिन शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 39.25 करोड़ रुपए रहा, जबकि शनिवार को चौथे दिन फिल्म ने 53.25 करोड़ रुपए और रविवार को 60.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। मंडे टेस्ट में भी फिल्म पूरी तरीके से मार्क्स से पास हुई और पठान की कमाई में 25.5 करोड़ रुपए और जुट गए और फिल्म ने मंगलवार यानी 7वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। स्कैनलिक के अर्ली ट्रेडर्स के मुताबिक पठान ने 7वें दिन कुल 21 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की कमाई अब 328.25 करोड़ रुपए की हो गई है। बता दें कि पठान फिल्म में शाहरुख खान के अलावा जॉन अब्राहिम, दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा और डिंपल कबाड़िया ने भी अहम किरदार निभाया है। फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और VFX को देखकर ऑडियंस दांतों तक उंगली दबा रहे हैं। वहीं पठान के बाद अब शाहरुख जल्दी ही इटली की फिल्म जवान में नजर आएंगे। इसके अलावा किंग खान को राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म डंकी में देखा जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस
हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।